जौनपुर के युवक का शव भदोही में मिलने का मामला। शव पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। तनाव देखते हुए पहुंची कई थानों की फोर्स। पुलिस बल और ग्रामीणों में हुआ टकराव, पथराव और लाठीचार्ज भी हुआ। कार्रवाई की मांग को लेकर अंतिम संस्कार से मना कर रहे थे ग्रामीण। फास्ट फूड की दुकान पर विवाद के बाद युवक विवेक का हुआ था अपहरण। अपहरण के 36 घंटे बाद भदोही जनपद में मिला था शव। बरस्टी थाना क्षेत्र के जमुनीपुर मंगरमू गांव का मामला। क्या नाम है आपका? श्री शंकर यादव। अच्छा, विवेक यादव जी के पिता हैं आप? हाँ साहब। अच्छा, ये बताइए कि कितने घंटे बीत गए विवेक को जो है मरे हुए? चार दिन बीत गया। तो अभी तक प्रशासन की ओर से क्या कुछ हुआ? प्रशासन कोई कुछ नहीं किया, अभी कुछ नहीं हो पाया है। नहीं किया। तो ये बताइए कि आज जो निगोह में जाम लगा है, आप लोगों का उद्देश्य क्या है, क्या मांग? हम लोगों को आना चाहिए, हमको न्याय चाहिए। ये जो ये मोहन, ये बताइए आप उनके साथ उस समय थे, क्या कुछ मांग है इनकी जो है कि यहाँ पे जो जाम लग रहा है? डीएम और एसपी सर आइए यहाँ और हमें इनकाउंटर चाहिए। और मेन मुजरिम को हम करा दिए हैं पहचान, वो ये लोग रखे भी हैं। और चाहते तो विवेक को ये जो है प्रशासन बचा सकती थी, मगर ये लोग कोई सख्ती नहीं किए हैं, उसके साथ कोई भी जो जबरदस्ती नहीं किए हैं। क्या अभी तक उसके द्वारा कोई भी आरोपी का नाम? अभी कोई भी आरोपी आया नहीं है, नाम पता चल गया है। पुलिस उसमें क्या कर रही है अभी? कुछ आश्वासन क्या दिया आपको? कर रही है, हमको आश्वासन ये दे रही है कि आप यहाँ से मिट्टी ले जाइए, जला दीजिए, अच्छा दाह संस्कार करिए, उसके बाद जो है कार्रवाई होगी। कार्रवाई उसके बाद होगी, जब उसके बाद लोग प्रवाहित कर देंगे। सर, 8 दिन हो गया है आज 8 दिन हो गया है किडनैप भय, 4 दिन हो गया है, अभी 24 घंटे हो गया है जो है बरामद किए। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कल से ये लोग हमारे घर पे जितने प्रशासन लेके टूटे हैं सब पकड़े रहे, उतने अगर ये लोग चाहे होते हैं सर पकड़ लेते हैं। देखने जाते हैं कत्ता। तो ये बताइए कि यहाँ से आप लोग अभी इनसे क्या कुछ कह रहे हैं करने को, कि आरोपियों की गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब नहीं ले जाएंगे या और कुछ कोई बात है आप लोग? नहीं, एएसपी आएंगे, डीएसपी जी आएंगे, डीएम आएंगे, तभी हम यहाँ से जाएंगे। आपकी मांग है कि एसपी और डीएम यहाँ मौके पे आए, उसके बाद ही आप लोग यहाँ से पार्थिव शरीर उठाएंगे। ठीक है, हमको न्याय चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे हमारा बेटा गया है वैसे हमको जो है इनकाउंटर चाहिए, एक भी अपराधी उसमें बचना नहीं चाहिए। सर क्या मामला था? ये एक विवेक यादव नाम के व्यक्ति और थाना क्षेत्र बरसठी में कुछ दिन पूर्व घटना हुई थी। दोनों यादव पक्ष के लोग थे जिनकी आपस में मारपीट हुई थी, उसी में विवेक यादव की जो डेड बॉडी है ये दूसरे जनपद में पाई गई थी। इसके बाद विधिक कार्यवाही की गई, उसी में परिजनों के साथ में गांव के और कुछ लोकल नियोग के लोगों के साथ मिलकर के यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा करके यहाँ जाम लगाया गया। इसके बाद उनके द्वारा उपद्रव करने का प्रयास किया गया, उपद्रव किया गया, इसमें पुलिस के द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति फिलहाल सामान्य है। बॉडी जो है वो दाह संस्कार के लिए शमशान घाट जा चुकी है। फिलहाल सतर्कता के तहत पुलिस को डिप्लाई किया गया है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी लोगों को इसमें आइडेंटिफाई किया जा चुका है, इसमें करीबन 5 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं जिनसे अभी पूछताछ की जा रही है। ओके थैंक यू।